भारत और इंग्लैंड के बीच में चार टेस्ट मैचों की श्रृंखला खेली जा रही है, जिसके पहले ही टेस्ट मैच में भारतीय टीम को करारी शिकस्त का सामना करना पड़ा है। आपको बता दें, भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया में सीरीज जीतकर आई थी और ऐसे में उम्मीदें लगाई जा रही थी कि इंग्लैंड को घरेलू सरजमी पर भारतीय टीम आसानी से हरा देगी, लेकिन इंग्लैंड की टीम श्रीलंका में सीरीज जीत के आई और भारतीय टीम को भी पहले ही टेस्ट मैच में तगड़ा झटका दे दिया। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे भारतीय टीम के बारे में और ये भी बात करेंगे दूसरे टेस्ट मैच में कौन कौन से खिलाड़ियों को मौका दिया जा सकता है और विराट कोहली कौन कौन से खिलाड़ियों को बाहर कर सकते हैं, और साथ में हम ये भी बात करने वाले हैं क्या हार्दिक पांड्या को दूसरे टेस्ट मैच में मौका मिलना चाहिए या नहीं। इस वीडियो को पूरा देखिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर हम पहले टेस्ट मैच की बात करें तो इंग्लैंड की टीम ने पहली पारी में 578 रन बनाए थे, जिसके जवाब में भारतीय टीम सिर्फ 337 रन ही बना सकी थी। दूसरी पारी में हालांकि भारतीय गेंदबाजों का प्रदर्शन शानदार रहा और इंग्लैंड की टीम सिर्फ 178 रन बनाकर ऑल आउट हो गई, लेकिन पहली पारी में मिली बढ़त की बदौलत इंग्लैंड की टीम ने भारतीय टीम को 420 रनों का असंभव लक्ष्य दिया था, जिसके जवाब में भारतीय टीम पांचवें दिन सिर्फ 192 रन बनाकर ऑल आउट हो गई थी। भारतीय टीम के प्रदर्शन के बारे में बात करें तो भारतीय टीम का प्रदर्शन मिला जुला रहा। कुछ बल्लेबाजों ने अच्छी पारियां खेली तो वहीं कुछ बल्लेबाजों ने निराश किया। अगर हम बात करें दूसरे टेस्ट मैच में क्या क्या बदलाव हो सकते हैं तो यहां पर रोहित शर्मा का प्रदर्शन काफ़ी निराशाजनक रहा था, लेकिन उनको विराट कोहली एक और मौका जरूर देंगे। यहां पर बात करते हैं वॉशिंगटन सुंदर के बारे में। वॉशिंगटन सुंदर को बतौर ऑलराउंडर टीम में मौका दिया गया है। उन्होंने पहली पारी में 85 रन बनाए थे, लेकिन उनकी गेंदबाजी साधारण रही। वॉशिंगटन सुंदर ने पूरे मैच में एक भी विकेट नहीं लिया, जबकि चेन्नई की पिच पर स्पिन गेंदबाजों को काफ़ी ज़्यादा मदद मिल रही थी। ऐसे में विराट कोहली निश्चित तौर पर वॉशिंगटन सुंदर की जगह हार्दिक पांड्या को मौका देना चाहेंगे। हार्दिक पांड्या एक जेन्युइन बल्लेबाज हैं और तेज गेंदबाजी भी कर सकते हैं। हालांकि पिछले कुछ समय से हार्दिक पांड्या ने गेंदबाजी नहीं की है, इसके बावजूद विराट कोहली वॉशिंगटन सुंदर की जगह हार्दिक पांड्या को मौका देना चाहेंगे। आपको बता दें, वॉशिंगटन सुंदर ना तो बेहतरीन बल्लेबाज माने जाते हैं, वैसे तो उनका काम गेंदबाजी करना है, लेकिन उनकी गेंदबाजी साधारण रही। दोनों ही पारियों में वॉशिंगटन सुंदर विकेट के लिए तरसते रहे। भारतीय स्पिन डिपार्टमेंट की बात करें तो रविचंद्रन अश्विन लाजवाब दिखाई दिए, लेकिन उनका साथ देने खेल रहे शाहबाज नदीम का प्रदर्शन साधारण रहा। शाहबाज नदीम को दोनों ही पारियों में दो दो विकेट मिले, लेकिन उनकी गेंदबाजी काफ़ी ज़्यादा साधारण रही। उनकी जगह विराट कोहली निश्चित तौर पर कुलदीप यादव को मौका दे सकते हैं। अगर भारतीय टीम के अन्य खिलाड़ियों की बात करें तो चेतेश्वर पुजारा, विराट कोहली, अजिंक्य रहाणे, ऋषभ पंत, इन सभी खिलाड़ियों को दूसरे टेस्ट मैच में मौका मिलेगा। इन सभी खिलाड़ियों ने ठीक ठाक बल्लेबाजी की थी, हालांकि अजिंक्य रहाणे दोनों ही पारियों में फ्लॉप हुए थे। अगर तेज गेंदबाजी की बात करें तो ईशांत शर्मा और जसप्रीत बुमराह को मौका दिया जाएगा, तो वहीं रविचंद्रन अश्विन का साथ देंगे कुलदीप यादव। अगर हम बात करें कि भारतीय टीम में कौन कौन से 11 खिलाड़ियों को मौका मिल सकता है तो रोहित शर्मा, शुभमन गिल, चेतेश्वर पुजारा, विराट कोहली, अजिंक्य रहाणे, ऋषभ पंत, हार्दिक पांड्या, रविचंद्रन अश्विन, कुलदीप यादव, ईशांत शर्मा और जसप्रीत बुमराह को शामिल किया जा सकता है। दोस्तों, आपकी राय में कौन कौन से खिलाड़ियों को भारतीय टीम में मौका मिलना चाहिए और क्या हार्दिक पांड्या, केएल राहुल और कुलदीप यादव को भारतीय टीम में शामिल किया जाना चाहिए या नहीं, आप अपनी राय नीचे कमेंट कर सकते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।